हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरे चैनल में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूं, जो कि आपके समय की तो बचत करती करती हैं, साथ में आपका ढेर सारा पैसा भी बचाती हैं और आपके काम को भी आसान बनाती हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप्स। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है बादाम को लेके। बादाम दोस्तों ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जब हम बादाम का इस्तेमाल अपनी स्वीट डिश में करते हैं तो हम ज़्यादातर इसको हमेशा छीलकर यूज़ करते हैं, लेकिन इसको छीलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम इसको छीलते हैं भिगोने के बाद तो हम अपने नाखूनों से इस तरीके से छीलते हैं, जिसके कारण जो है हमारे नाखूनों में काफ़ी पेन होने लग जाता है, क्योंकि जब हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बादाम को छीलना होता है तो हमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसको छीलने का मैं बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ कि जिससे कि आपके बादाम मिनटों में ही छील जाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी बादाम जो भी आपने छीलना है वो आप बादाम ले लीजिए, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है चाकू, और चाकू लेके आपने हल्का सा इसके ऊपर साइड से कट लगा देना है। कट लगाने के बाद आप अपने बादाम का छिलका उतारें तो आप देखेंगे कि आपका छिलका बहुत ही आसानी से मिनटों में उतर जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चाहे तो आप इसको हाथ की मदद से भी उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, चाहे तो आप नाइफ की मदद भी ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से कट लगा के आप ये छिलके को इस तरीके से उतार दीजिए। ये देखिए, इससे आपका छिलका मिनटों में उतर जाएगा और ना ही आपके हाथों में कोई पेन होगी, और इसकी मदद से आप ढेरों बादाम मिनटों में ही छील सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है बर्फ़ को लेके। दोस्तों गर्मी का टाइम है और हमें बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती है। जिनके घर में फ्रिज है वो तो ईजिली बर्फ़ को जमा लेते हैं, लेकिन जिनके घर पे फ्रिज नहीं होता तो वो अक्सर मार्केट से इस तरीके से बर्फ़ मंगवाते हैं या क्यूब्स मंगवाते हैं या अपने पड़ोसियों से बोरो करते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट होने लगती है, और अगर हमें इसको बर्फ़ चाहिए होती है तब तक तो ये पिघल चुकी होती है। तो इसको हम कैसे बचा कर रखें ताकि ये हमारी काफ़ी लंबे समय तक चल जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने लेना है कोई भी फॉइल पेपर का आप टुकड़ा ले लीजिए, और उसके बाद अपने बर्फ़ के ये जो टुकड़े हैं उसको आप फॉइल पेपर में इस तरीके से लपेट के रख दीजिए। इस तरीके से आप अपने फॉइल पेपर में बर्फ़ को लपेट के रख दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी बर्फ़ जल्दी से मेल्ट नहीं होगी और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगली टिप को। मेरी अगली टिप होने वाली है आम को लेके। दोस्तों जब भी हम मार्केट से आम लेकर आते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं, इसको सिंपल पानी से धोकर इसको सीधा अपना फ्रिज में रख देते हैं ताकि इसकी गर्मी दूर हो जाए और ये ठंडे हो जाए। तो दोस्तों हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें जब भी मार्केट से आम लेकर आने हैं तो सबसे पहले आपने ये काम करना है, लेना है पतीले में पानी, और आप जो आम लेकर आए हैं आपने सारे के सारे आम उस पानी के अंदर डुबोकर रख देने हैं, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि आम जो होते हैं इनके अंदर काफी गर्मी होती है और ये ज़्यादातर आम जो है दवाई से पकाए जाते हैं। अगर हम इसी तरीके से इसको पानी से धोकर फ्रिज में रखकर खाते हैं तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है, जैसे कि हमारे शरीर पे फोड़े फुंसी निकलाते हैं, हमारे फेस पे निकलाते हैं, क्योंकि ये हमें गर्मी करते हैं और हमें काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप आम को लेकर आएँ तो आप कम से कम एक घंटे के लिए इसको पानी में डुबो कर रखें, और इसके बाद आप इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें, और इसके बाद इसको काट कर खाएँ तो ये आपको किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाने। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है प्लांट्स को लेके। दोस्तों जैसे कि हम देख रहे हैं कि गर्मियां बढ़ती चली जा रही हैं, तो गर्मियों में जो हम सबसे ज़्यादा परेशान वो होते हैं मच्छर मक्खी चींटियों से। दोस्तों चींटियां एक ऐसी चीज़ होती हैं जो कि हमारे खाने में चली जाती हैं, खाने को तो हमारे ख़राब करती करती हैं, साथ साथ ये हमारे प्लांट्स को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाती हैं। तो अपने प्लांट्स को चींटियों से बचाने के लिए एक बहुत ही आसान जुगाड़ मैं लेकर आई हूँ कि जिससे कि आपके प्लांट के ऊपर बिल्कुल भी चींटियाँ नहीं चढ़ेंगी। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने लेनी है वैसलीन, और वैसलीन लेने के बाद आपने क्या करना है, अपने प्लांट्स के चारों तरफ इस तरीके से अपने प्लांट्स का जो पॉट होता है, पॉट के चारों तरफ आपने इस तरीके से सारी साइड पे वैसलीन को लगा देना है। ऐसा करने से क्या होगा, जब भी चींटियाँ आएंगी तो जब भी वो प्लांट की तरफ चढ़ने लगेंगी तो ये जो वैसलीन हमने लगाई है उसके कारण ये उसके साथ चिपक जाएंगी, क्योंकि वैसलीन काफ़ी थिक होता है और इसका जो मटेरियल होता है काफ़ी स्टिकी होता है। तो जैसे ही वो इसके आसपास आएंगी या इसके ऊपर चढ़ने लगेंगी तो वो इस वैसलीन से इसके ऊपर चिपक जाएंगी और ये इसके आगे नहीं पहुँच पाएंगी, जिससे कि आपका प्लांट जो है चींटियों से सुरक्षित रहेगा।
चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप एक जुगाड़ होने वाला है, वो जुगाड़ होने वाला है इस तरीके के ब्रेड के पैकेट्स को लेके, जिसको कि अक्सर हम ब्रेड यूज़ करने के बाद कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, जबकि ये पैकेट काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। आप इनका इस्तेमाल काफ़ी तरीक़ों से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका का इस्तेमाल तो ये है कि आप इनके ब्रेड के पैकेट्स को ले, इसको इसके जो पीछे वाला पार्ट है इसको आप इस तरीके से करते हुए अंदर की तरफ इसको आप फोल्ड कर दें, और इसके आगे वाला जो हिस्सा है इसको तो चाहे आप अंदर की तरफ चाहे तो आप इसको बाहर की तरफ फोल्ड कर दें। मैं आपको बाहर की तरफ करके दिखा रही हूँ, चाहे तो आप इसको अंदर की तरफ भी फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ऐसा करने से ये हमारी एक छोटी सी बास्केट बनकर तैयार हो जाती है। इसका इस्तेमाल आप काफ़ी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारे घी के डिब्बे होते हैं, उनको हम रखते हैं तो आपने देखा है जब भी हम घी निकालते रहते हैं तो वो एकदम चिकने हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी सरफेस गंदी हो जाती है और उसको हमें बार बार साफ करना पड़ता है। तो आप उस जगह पर इस तरीके के ब्रेड के पैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी नीचे की सरफेस गंदी नहीं होगी और उसको आपको बार बार धोना नहीं पड़ेगा। अगर ऐसे यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको एज ए मिनी डस्टबिन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी हम सब्जियां काटते या छीलते वगैरह होते हैं तो हमारा काफ़ी सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, जिसके लिए हमें अलग से एक बर्तन कैरी करना पड़ता है, जिससे कि हमारा बर्तन तो ख़राब होता है और उसको साफ करने में भी हमारा टाइम लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी सब्जियों के जो छिलके कूड़े हैं उसको आप इसके अंदर डाल के यूज़ कर सकते हैं और इसको बाद में एक बड़े डस्टबिन में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ इसका सेकंड यूज़। अब मैं आपको इसका थर्ड यूज़ भी बता दूँ, तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जब भी हम मार्केट से इस तरीके के पॉलीथीन में सब्जियां लेकर आते हैं तो अक्सर हम क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में या कई बार हम जल्दबाजी के चक्कर में इसी पॉलीथीन में डालकर फ्रिज में सब्जियाँ स्टोर कर देते हैं, जिसके कारण हमारी सब्जियाँ जो है ख़राब हो जाती हैं और ये हमारे पॉलीथीन भी हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, तो हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो उसकी जगह पर आप इन पॉलीथीन का ना इस्तेमाल करके आप इन ब्रेड के पैकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सब्जियाँ स्टोर करने के लिए। तो आप क्या करें, अपनी सारी सब्जियों को, जिन भी सब्जियों को आपने स्टोर करना है, आप इस पैकेट में डाल दें, क्योंकि ये आपके पैकेट इन पॉलीथीन से काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, पूरी सब्जियां डालने के बाद एक सीजर की मदद से या किसी की मदद से इसमें आपको छोटे छोटे इस तरीके से होल कर देने हैं। होल करने के बाद एक तो इसका ये फ़ायदा है कि इसके अंदर काफ़ी सारी ढेर सारी सब्जियां आ जाती हैं, क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी अच्छा होता है। और इसके बाद आप इसको सिंपली इस तरीके से ट्विस्ट करें और इसको मोड़ करके अपने फ्रिज में रख दें। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो आपकी सब्जियां भी काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश बनी रहेंगी और आप ये देखेंगे आपकी बहुत थोड़ी सी जगह पर आपकी काफ़ी सब्जियाँ भी स्टोर हो जाएंगी। आई होप आपको ये मेरी टिप अच्छी लगी होगी। अगर आपको दोस्तों टिप अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप गैस के ऊपर कैंची का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपकी गैस की बचत हो सकती है। दोस्तों कई बार क्या होता है, जब भी हम खाना बनाने के लिए इस तरीके से गैस को ऑन करते हैं तो आपने देखा है कि कई बार हमारा ये गैस का जो नॉब होती है कई बार बहुत ज्यादा टाइट होती है। जब भी हम इसको मीडियम हाई या लो करते हैं तो ये गलती से हमारे हाथ से टाइट होने की वजह से टूट जाती है और टूटने की वजह से ये हमारी निकलकर गिर जाती है। तो इस टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम मैकेनिक को बुलाएं और उसको रिपेयर करें, और जब तक तो हमारी काफी सारी गैस जो है निकलकर वेस्ट हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे टाइम पे इसको आप कैसे ठीक करें, तो आप क्या करें कि हमारे घर पे कैंची तो हर टाइम पे अवेलेबल होती है, तो आप इसको ठीक करने के लिए कैंची का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करनी है, कैंची को लेना है और इसके अंदर आपने कैंची को डाल देना है और इसकी मदद से आपने अच्छी तरीके से इसको घुमाते हुए बंद कर देना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा गैस जो है बिल्कुल बंद हो गया। और अब आपको टाइम मिले तो आप अपने मैकेनिक को बुलाकर इसकी नॉब को रिपेयर करा के ठीक करा सकते हैं। तो देखा आपने कैंची की मदद से हमने कैसे अपने गैस की ढेरों बचत की है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगली टिप को। मेरी अगली टिप होने वाली है आयरन की टैबलेट्स को लेके। दोस्तों ज़्यादातर हर लेडीज़ को क्या, बच्चे को किसी ना किसी के अंदर आयरन की कमी होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बाजार से महंगी महंगी दवाइयाँ लेकर आते हैं और वो टैबलेट्स खाते हैं, जिससे कि हमारी आयरन की कमी दूर हो जाए, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी के कारण हमें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम बाजार से क्यों महंगी महंगी दवाइयाँ लेकर आएँ और अपने पैसे खर्च करें, क्यों ना हम सीधा ही जुगाड़ अपनाएं और अपने शरीर में आयरन की कमी को दूर करें। उसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है कि आपने जब भी अपना खाना बनाना है तो आपने उसको बनाना है लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से क्या होता है कि लोहे की कढ़ाई जब हीट के कांटेक्ट में आती है तो उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो आपके खाने में आ जाती हैं, और उसके कारण जब वो आप खाना कंज्यूम करते हैं तो आपके शरीर में आयरन की कमी दूर हो जाती है। आप किसी भी डॉक्टर से भी पूछ लें या अपने पुराने दादी नानी से भी पूछें तो वो सब आपको बताएंगी कि आपको आयरन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए आयरन की कढ़ाई में खाना बनाना चाहिए।
लेकिन दोस्तों मेरा इस टिप को बताने का मेन मकसद ये है कि यूट्यूब पे आपने देखा होगा एक टिप बहुत ही जोरों शोरों से वायरल हो रही है, जिसमें कि बताया गया है कि आप अपने आयरन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए चाय के अंदर आप डाल दें लोहे का चाकू। इस तरीके से लोहे का चाकू डाल दें या आप इसके अंदर चाय के अंदर ताला डाल दें, इससे ऐसा करने से आपके शरीर में लोहे की कमी या आयरन की कमी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये तरीका बिल्कुल सरासर गलत है, आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि लोहे का चाकू अगर आप चाय के अंदर डालेंगे तो इसके अंदर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आपके लोहे के जो तत्व हैं वो आपके चाय के अंदर कैसे आएंगे, क्योंकि आप जब आयरन की कढ़ाई में खाना बनाते हैं तो वो हीट की कॉन्टैक्ट में आता है, कम से कम 10-15 मिनट तक वो हीट के ऊपर उसके अंदर खाना पकता है, तब जाके आयरन के गुण जो है आपके खाने के अंदर आते हैं। अगर आप चाय के अंदर इस तरीके से चाकू या ताला डाल देंगे तो आपके आयरन के गुण इसके अंदर कैसे आएंगे, चाय तो आप देखेंगे एक मिनट के अंदर ठंडी हो जाएगी, और इस ठंडी सी चाय के अंदर अगर आप चाकू को एक घंटे तक भी डुबो कर रखें या ताले को एक घंटे तक डुबो के रखें तो आपके आयरन के गुण इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें, इस तरीके से आपकी आयरन की कमी कभी दूर नहीं होगी और आप इस गलतफहमी में रहेंगे, जिसके कारण आपको काफ़ी सारी बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरी आपकी गुजारिश है कि अगर आप गोलियों का सेवन नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने खाने को लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं, और वो सबसे आसान और बिल्कुल सटीक तरीका है आयरन को कंज्यूम करने का। और सबसे एक मेन तरीका तो ये है कि सबसे अच्छा तरीका है कि आप आयरन की कढ़ाई में ही खाना बनाएं। अगर आपके पास आयरन की कढ़ाई नहीं है तो दूसरा तरीका है कि आप आयरन युक्त जो भी खाना है वो आप खाना खाएं, उससे आपकी आयरन की कमी दूर हो जाएगी, ना कि ये बेकार के ढकोसले वाली टिपों में आप विश्वास करें और इसके जरिए आप अपने शरीर में आयरन की कमी दूर करें। ऐसा करने से क्या होगा कि अगर आपका चाकू भी जरा सा गंदा है या आपका ताला, आपको पता है कितना गंदा होता है, उसके छेद के अंदर से कितने सारे कीटाणु हमारे ताले के अंदर गए हुए होते हैं, अगर वो ताला आप चाय में डालकर उस चाय को पिएंगे तो आपकी आयरन की कमी तो पूरी नहीं होगी लेकिन आप बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त जरूर हो जाएंगे। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरीके की यूजफुल वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।